अंदर और जो युवा है उनमें नाराजगी है, कुछ स्पष्टीकरण देंगे आप अपनी तरफ से? मुझे लगता है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया है तो उस पर राय देना और प्रतिक्रिया व्यक्त करना न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करना होता है और भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। शुक्रिया, थैंक यू सर। जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया गया, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मेरे लिए आवश्यक नहीं। आज मैं जम्मू जू तवी रिवर फ्रंट और टीटीडी का जो मंदिर बन रहा है तीनों का निरीक्षण किया और मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि संतोषजनक प्रगति है। लंबे समय से जम्मू के लोगों की जो आकांक्षा रही है मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में वो पूरी होगी। इससे जम्मू शहर का टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू के शहर में रहने वाले लोगों की आय भी बढ़ेगी, बाहर से लोग आएंगे और आप लोगों का दर्शन करेंगे। सर, क्या मंदिर जो है यात्रा से पहले, अमरनाथ यात्रा से पहले बनकर तैयार हो? नहीं, जून अंत तक बनेगा ऐसा उन्होंने बताया है, तो मुझे लगता है कि अमरनाथ यात्रा के पहले या अमरनाथ यात्रा से उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। सर, ऑपोजिशन पार्टीज ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, ये मुद्दे जो बताए जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स बताया जा रहा है, उनका कहना है कि गलत समय पर लगाया गया और जेकेएसएस। मैं राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करता हूँ और प्रॉपर्टी टैक्स पर मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है और मोटे तौर पर अगर मैं तुलना करता हूँ तो एक तो ग्रामीण क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं है, दूसरा अम्बाला शिमला और देहरादून से तो 1/10 से भी कम टैक्स यहाँ लगा है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले 40% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा है और लगभग इतने ही लोग हैं जिन पर अधिकतम